Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग करते हैं टर्मिनल एक्सरसाइजेस. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. आप देखिए दो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाक्य आपको बताने हैं कि सही है या गलत है. आप जो भी आंसर देंगे, चाहे आप सही बोले या गलत, आपको बताना होगा कि कारण क्या है. पहला, ऑरेंजेस कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड. अब देखिए संतरे जो है उनको आप लंबे समय तक खराब हुए बिना रख सकते हैं. आंसर फॉल्स. एज ऑरेंज गेट्स कंटामिनेटेड विद द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हेंस स्पॉइल्ड. अब देखिए ये गलत है, क्योंकि जो ऑरेंजेस हैं उसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका विकास होता है और उनकी प्रतिक्रिया होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते, ये खराब हो जाएंगे. While dehydrating methi leaves, these should be put in potassium metabisulfite for 5 to 10 minutes. जब आप मेथी की पत्तियों को डिहाइड्रेशन करेंगे, उनको निर्जलीकृत करेंगे, तो आप इनको 5 से 10 मिनट तक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट में रख दें. ये भी आंसर गलत है. As by putting potassium metabisulfite for 5 to 10 minutes, the blackening of the item can be prevented, but the green leafy vegetables should not be put in the solution as it will bleach the color of the vegetables. अब ये गलत क्यों है? क्योंकि जब आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट में 5 से 10 मिनट तक अगर मेथी के पत्तों को रख दिए तो क्या होगा, वो काला तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट का, ये क्या करेगा कि कलर ब्लीच कर देगा. राइट डाउन द स्टेप्स इन प्रिवेंटिंग पुदीना लीव्स बाय डिहाइड्रेशन. आप देखिए पुदीना के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण करने का तरीका क्या है, ठीक है. डिहाइड्रेटिंग पुदीना, वॉश पुदीना एंड रिमूव द स्टीम्स. अब देखिए पुदीना को आप धोएंगे पहले, फिर उसमें से जड़ निकालेंगे. पुट ऑन अ क्लोथ इन द सन, कवर इट. एक कपड़े में पुदीना रखेंगे, फिर उसको पतले कपड़े से ढक देंगे. कूल टू रूम टेम्परेचर एंड स्टोर इन एयर टाइट टेंस. अब उसको आप लाएंगे रूम में, थोड़ा देर ऐसे खुले में छोड़ेंगे ताकि वो रूम टेम्परेचर का हो जाए, और उसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देंगे जिसके अंदर हवा पास नहीं होता हो, ठीक है. ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पाठगत प्रश्न टर्मिनल एक्सरसाइजेस का. ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, ध्यान से समझिए. मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम ए विथ दोज ऑफ कॉलम बी. अब देखिए कॉलम ए में जो स्टेटमेंट है उसको आपको किसके संग मैच करना है, कॉलम बी के साथ, ठीक है. तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके करेंगे. ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा तो इसको आप कैसे आंसर कर सकते हैं, आप इसको पूरा उतारिए फिर इसका आंसर लिखिए, तो क्या होगा कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो सीधा आंसर नंबर दे के लिख देते हैं, तो ये तरीका गलत है. चलिए करते हैं. सबसे पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे कॉलम बी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, सनलाइट, रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट, साइट्रिक एसिड, विनेगर. जब भी मैच द कॉलम करें तो ये सेकंड कॉलम पहले पढ़ें. अब एक एक करके आप पढ़ें और देखिए किससे ये मिल रहे हैं. सबसे पहला नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है. अब इसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या है, सॉल्ट. केमिकल प्रिजर्वेटिव, अब इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है. डिहाइड्रेशन सनलाइट के थ्रू, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट, यहां तक तो आपका टर्मिनल क्वेश्चन हो गया. चलिए अब हम लोग करते हैं एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक करके इसको करेंगे. व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ फूड स्पॉइलेज. अब जो खाना सड़ जाता है इसका कारण क्या है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फूड स्पॉइलेज आर द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स,
प्रेजेंट इन फूड्स, इंसेक्ट, वर्म्स एंड रैट्स। अब देखिए, खाना सड़ने का कारण ये हो सकता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एंजाइम हो, इंसेक्ट्स हो, वर्म्स हो, चूहों की वजह से, ये सब कारण की वजह से आपका जो खाना है वो खराब हो जाता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई फूड स्टोरेज? अब फूड जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, खाना को भंडार करके रखते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? When food is stored at special and safe place and is then later used for consumption, it is called food storage. जब हम लोग खाना को एक जगह पे रखते हैं जो हम लोग घर में निर्धारित करते हैं कि यहाँ पे हम लोग खाना रखेंगे, जनरली स्टोर रूम जैसा कुछ होता है, साथ साथ वो जगह सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, ठीक है, और वो खाना को हम लोग बाद में इस्तेमाल करते हैं तो इसको फूड स्टोरेज हम लोग कहते हैं। What are the categories in which the food items are divided based upon their shelf life? अब देखिए, हर एक खाना का shelf life होता है। Shelf life मतलब कितने दिन तक ये fresh रहेगा, खाने के लायक रहेगा। तो क्या क्या category में food items को बांटा गया है? The food items are divided into the following categories based on the shelf life. अब जो खाने का सामान होता है उनको तीन चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है, उनके shelf life के अनुसार। सबसे पहला जो है वो है non perishable food, वह खाना जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे होल ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, नट, शुगर एंड जैगरी। दूसरा सेमी पेरिशेबल गुड्स, अब ये वो खाने हैं जो ख़राब तो होते हैं लेकिन कुछ दिन में होते हैं, तुरंत नहीं होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड सीरियल्स, पल्सेस प्रोडक्ट्स, बना हुआ चावल, दाल, आटा, अंडा, पोटैटोज, अनियंस एंड केक्स। तीसरा पेरिशेबल गुड, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो 12 घंटे में, 24 घंटे में, एक दिन में, दो दिन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीज, एप्पल, बनानास, ब्रेड, बटर एंड क्रीम, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हाउ डज इट हेल्प अस? अब जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इससे आप क्या समझते हैं और ये हमें किस तरह से मदद करती है? The preservation of decay or spoilage of food, either by avoiding contamination or inhibiting enzymatic or chemical reaction or changes, is called preservation, which helps to increase shelf life of food and thus food can be stored for future use. आप देखिए, जो खाना है उसको सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए, या तो हम लोग उसको कंटामिनेशन से बचाएंगे, या उसमें जो एंजाइम होता है उससे बचाएंगे, या केमिकल रिएक्शन से बचाएंगे, सूक्ष्म जीवाणु से बचाएंगे, या जो खाने में बदलाव होता है उससे बचाएंगे, तो इसको हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो खाना है वो काफ़ी समय तक ताज़ा रहता है और हमारे उपयोग के लिए बना रहता है, जिससे हम लोग भविष्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? अब जो ये फूड प्रिजर्वेशन है, खाद्य संरक्षण, इसका महत्व क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड प्रिजर्वेशन इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन, या इन कारणों की वजह से किया जाता है। इट टेक्स केयर ऑफ एक्सेस फूड प्रोड्यूस, जो खाना ज्यादा बन जाता है, मतलब मान लीजिए जो किसान है वो खेती करता है तो वो ज्यादा उत्पाद कर देता है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको कैसे देख रेख करना है, ये सिखाता है हम लोग को फूड प्रिजर्वेशन। वराइटीज टू आवर मील इज एडेड, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम लोग को वराइटी मिलता है, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। इट कैन बी सेंड टू प्लेसेज वेयर दैट आइटम इज नॉट अवेलेबल, अब जहां पर वह खाने का सामान नहीं मिलता है वहां पर हम इसको भेज सकते हैं, खाने को अगर अच्छे से हम लोग प्रिजर्व करके रखें। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड इज ईजियर, खाने को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेज सकते हैं और इसका भंडारण करना भी हम लोग के लिए आसान हो जाता है। वॉट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अब जो फूड प्रिजर्वेशन है इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके? इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको मार देता है। द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रिवेंटेड और डिले, अब देखिए जो सूक्ष्म जीवाणु है उनका जो एक्शन है, वो जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसको या तो रोका जा सकता है या तो उसको टाला जा सकता है। द एक्शन ऑफ एंजाइम्स कैन बी स्टॉप, अब जो एंजाइम्स है उनका जो एक्शन है उसको भी रोका जा सकता है। वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम, अब आप घर पे किस तरह से फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं? फूड कैन बी प्रिजर्व एट होम बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, आप घर पे खाना को सुरक्षित रख सकते हैं
क्या मेथड से, ये जहां पे दो दिया है, एक्सपोजिंग फूड टू लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। आप लो टेम्परेचर में रखेंगे या मतलब फ्रिज में रख दीजिए, या हाई टेम्परेचर में रखेंगे उसको काफी गर्म कर दीजिए। यूजिंग प्रिजर्वेटिव एंड डिहाइड्रेटिंग फूड, आप प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं या खाना का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोज में पढ़े थे चैप्टर में। राइट डाउन द स्टेप्स फॉर फ्रीजिंग ऑफ बीन्स, आप जो बीन्स होते हैं उनको हम लोग कैसे फ्रीज करेंगे, जमाएंगे। फ्रीजिंग ऑफ बीन्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड स्टेटेड बिलो। अब ये जो स्टेप्स दिया गया है, आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बीन्स को फ्रीज कर पाएंगे, जिससे आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप वन, सेलेक्ट अबाउट हाफ अ किलोग्राम ऑफ फ्रेश टेंडर बीन्स एंड शेल देम। अब देखिए, आप लगभग आधा किलो ताजे बीन्स खरीदें, ठीक है, एकदम बढ़िया क्वालिटी के, और उनको साफ कर लें, ठीक है। टेक इनफ वाटर इन अ स्टेनलेस पैन इन विच द बीन्स कैन बी कंप्लीटली इमर्स्ड, ठीक है। अब एक बर्तन लीजिए स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, और उसमें इतना पानी लीजिए कि जितना आपका बीन्स है पूरी तरह से उसमें डूब जाए। एड 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट फॉर हाफ अ लीटर ऑफ वाटर, डिजॉल्व एंड ब्रिंग द सोल्यूशन टू बॉयल। अब देखिए, अगर आप एक आधा लीटर पानी लिए हैं तो 1 चम्मच नमक, 1 लीटर पानी लिए हैं तो 2 चम्मच नमक, तो जितना पानी लिए हैं उस हिसाब से उसमें नमक डालें, फिर उसको मिला लें और ये जो मिश्रण है उसको उबालने के लिए लेके आए। कंप्लीटली इमर्ज द बीन्स इन द बॉइलिंग सोल्यूशन फॉर अबाउट 2 मिनट्स। अब ये जो पानी उबला है, ठीक है, इसमें आप बीन्स को कितना देरी के लिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दें। ड्रेन द बीन्स इमीडिएटली ऑन ए स्टेनलेस स्टील सीव एंड लेट देम कूल फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब जो आपका बीन्स है उसको तुरंत आप स्टेनलेस स्टील सीव, ये एक बर्तन होता है जिसमें छेदा होता है छन्नी जैसा, इसमें डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। पैक द बीन्स इन पॉलिथिन बैग्स, रिमूव द एयर बाई प्रेसिंग एंड सील द बैग। आप देखिए, जो बीन्स है उसको पॉलिथिन बैग में डाल दीजिए और उसमें जो हवा है उसको दबा के निकाल दीजिए और बैग को सील कर दीजिए। पुट द पैकेट्स ऑफ बीन्स इन टू अ फ्रीजर। अब जो ये बीन्स का पैकेट है इसको कहां आप रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे। क्वेश्चन 9, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल फ्रीजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब आप फलों और सब्जियों को जमाएंगे तो क्या क्या चीज का आपको सावधानी रखना चाहिए। सम प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल फ्रीजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एज फॉलोज। अब जब आप फलों और सब्जियों को जमाएंगे तो ये जो प्रिकॉशंस है, सावधानियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूज द पैकेजिंग मटेरियल विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ फूड मटेरियल ऑन फ्रीजिंग। अब देखिए, जब हम लोग खाना को जमाते हैं तो वह फैलता है, तो आप ऐसा पैकेटिंग यूज कीजिए, ऐसा पैकेट इस्तेमाल करिए जो कि फटे नहीं, ठीक है, उसमें अच्छे से वो खाना रह पाए। डू नॉट रीफ्रीज द फूड मटेरियल। अब जो खाना है उसको आप वापस से जमाइए मत। स्मॉल पैकेट शुड बी prepared टू अवॉइड spoiling ऑफ फूड, दिस also helps टू अवॉइड refreezing ऑफ द unutilized फूड मटेरियल। अब मान लीजिए ये जो आप बीन्स पड़े, ठीक है, आप 1 किलोग्राम अगर बीन्स का फ्रीजिंग करते हैं तो आप क्या करिए कि इसको 200 ग्राम करके, ठीक है, 5 पैकेट बना लीजिए, तो जितना जरूरत होगा उतना छोटा छोटा पैकेट आप निकालेंगे। अगर मान लीजिए आप 1 किलोग्राम का एक ही पैकेट में सारा स्टोर कर लिए तो आपको वापस से इसको फ्रीज करना पड़ेगा जिससे वह खराब हो जाएगा। द पैकिंग ऑफ द फूड शुड बी एयर टाइट। आप जो खाना को आप पैक कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखें कि उसमें हवा ना जाए, वो एयर टाइट रहे। डू नॉट ओपन द फ्रीजर फ्रीक्वेंटली। आप जो फ्रीजर है उसको बार बार ना खोलें। ओके, डिफाइन थॉइंग। अब ये जो थॉइंग शब्द है इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। थॉइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ आइस फ्रॉम द फ्रोजन फूड। अब जो जमा हुआ खाना रहता है उससे जो हम लोग बर्फ निकालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग थॉइंग कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में डिटेल में पढ़े थे। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अब जो प्राकृतिक संरक्षक होते हैं वो क्या क्या प्रकार के होते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव आर सॉल्ट, शुगर, एसिड्स, ऑयल एंड स्पाइसेस। हाउ डज सॉल्ट एज एज प्रिजर्वेटिव। अब जो नमक है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह किस तरह से काम करता है। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्ट इन द फूड। जब आप खाने में नमक डालते हैं तो एक प्रक्रिया है
ऑस्मोसिस की ये होती है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में असमस कहते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर कम्स आउट ऑफ द फूड, तो इससे क्या होता है, खाने से जो पानी है वह निकल जाता है। ड्यू टू विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू ग्रो एंड द फूड बिकम सेफ, तो इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह बढ़ नहीं पाते हैं और जो खाना है वह सुरक्षित हो जाता है। ऑल्सो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज रिड्यूस्ड विच प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स का जो काम है वो कम हो जाता है, तो जो आपका खाना है वह खराब होने से बच जाता है। सॉल्ट इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल चटनी सॉस एंड कैंड फूड, जब हम लोग अचार बनाते हैं या चटनी बनाते हैं या सॉस बनाते हैं या डब्बा बंद खाना बनाते हैं तो इसमें नमक जो है वो एक संरक्षक का काम करता है। सॉल्ट इज रब्ड ऑन फिश विच हेल्प टू प्रिजर्व इट, अगर आप कभी मछली बाजार में जाएंगे तो आप देखेंगे मछली के ऊपर नमक रगड़ दिया जाता है, इससे क्या होता है मछली को सुरक्षित रखा जाता है, काफी देरी तक वो ताजा रहता है। आगे देखिए, नेम सम ऑफ द फूड आइटम्स विच शुगर कैन एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, अब कुछ ऐसे खानों के बारे में बताइए जिसमें जो चीनी है वो प्रिजर्वेटिव की तरह संरक्षण की तरह काम करे। शुगर एक्ट एज प्रिजर्वेटिव इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स, जैम्स जेलीज मुरब्बास स्क्वाशेस पिकल चटनी एक्सेट्रा, ठीक है ये सब है। हाउ इज एसिड यूजफुल इन प्रिजर्विंग द फूड आइटम्स, अब एसिड से हम लोग किस तरह से फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं, ये किस तरह से काम में आता है। एसिड प्रिवेंट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इंक्रीजिंग द एसिडिक कंटेंट ऑफ द फूड आइटम्स, अब जो खाना है उसका जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ा देता है एसिड, तो इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका विकास और कार्य रुक जाता है। नेम सम सॉर्ट आइटम्स यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, अब कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में बताइए जो क्या है, जो खट्टे हैं, ठीक है, और आप इनका इस्तेमाल संरक्षण के लिए करते हैं। लेमन जूस, नींबू का रस, विनेगर, उसके बाद एसिडिक एसिड, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 16, नेम द फूड आइटम्स इन विच एसिड्स आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, अब ऐसे खाने के बारे में बताइए जिसमें एसिड का इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। लेमन जूस इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग पिकल, जब आप अचार बनाते हैं तो उसमें आप नींबू का रस डालते हैं। विनेगर इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग अनियंस एंड टोमेटो केचप, आप देखिए अनियन और टोमेटो केचप को आप संरक्षित करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्रिजर्विंग स्क्वाशेस, जब आप स्क्वाशेस को संरक्षित करना चाहेंगे तो आप साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सांप के बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर में पढ़े हैं। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑयल एज प्रिजर्वेटिव, अब जो चीन तेल है उसका हम लोग जो प्रिजर्वेटिव की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या क्या फायदा होता है वो बताइए। द ऑयल मेक्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड हैज द फॉलोइंग टू एडवांटेजेस, अब जो तेल है वो क्या करता है खाने पर एक सुरक्षा परत चढ़ा देता है, और इसके दो फायदे हैं जो यहां लिखे हैं। द फूड इज नॉट स्पॉइल्ड एज इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द फूड, अब तेल की वजह से क्या होता है जो खाना है वो सूक्ष्म जीवाणुओं के संपर्क में नहीं आता है तो वो खराब नहीं होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो एंड स्पॉइल द फूड एज इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट विद एयर विद फूड, अब देखिए तेल में डूबी होने की वजह से जो खाना है वो हवा के भी संपर्क से दूर हो जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ नहीं पाते हैं और खाने को खराब नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, राइट डाउन द इंग्रीडियंट्स एंड द मेथड ऑफ मेकिंग एन एप्पल जैम, अब देखिए एप्पल जैम आपको बनाना है, ठीक है, इसके लिए क्या क्या सामान लगेगा और क्या तरीका होगा। सामान पढ़िए, 1 किलो एप्पल, चीनी 750 ग्राम, 1 चम्मच साइट्रिक एसिड और पानी 150 ml, अब देखिए ये सब 1 किलो एप्पल के हिसाब से है। अगर मान लीजिए इसी को मैं 2 किलो एप्पल कर दूं, 2 किलो एप्पल तो 750 ग्राम की जगह 1500 ग्राम या मतलब 1.5 किलो चीनी लगेगा। साइट्रिक एसिड 1 टेबल स्पून की जगह 2 टेबल स्पून लगेगा, ठीक है, पानी 150 ml की जगह 300 ml लगेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसी हिसाब से सब कुछ बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आप कम करेंगे तो ये सब भी कम होता जाएगा। अब स्टेप मेथड, पहला स्टेप क्या है, टेक फ्रॉम एप्पल्स एंड वॉश देम प्रॉपरली, अब आप अच्छे अच्छे एप्पल खरीदिए और उसको अच्छे से धो लीजिए।
रिमूव द कोर एंड हार्ड सीड्स एंड कट देम इंटू स्मॉल पीसेस। आप देखिए जो एप्पल है उसका जो सीड्स है कोर है उसको आप निकाल लीजिए और एप्पल को छोटा छोटा काट लीजिए। कुक इन वॉटर टिल एप्पल पीसेज आर टेंडर, यू कैन ऑल्सो प्रेशर कुक देम फॉर 2 मिनट्स। अब आप जो एप्पल्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, आप उनको पका रहे हैं कब तक, जब तक वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। आप उनको प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। सीव द पल्प केयरफुली, अब जो उसका छिलका है उसको आस्ते आस्ते निकाल के पल्प निकाल लीजिए। एड शुगर, स्टर कॉन्स्टेंटली एंड एड साइट्रिक एसिड, चीनी डालिए उसको हिलाते रहिए हमेशा बार बार और उसमें साइट्रिक एसिड डालिए। कुक टिल द मिक्सचर ऑब्टेन्स थिक कंसिस्टेंसी एंड डू द प्लेट टेस्ट टू चेक दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ द जैम इज जेल लाइक। आप देखिए तब तक उसको हिलाइए जब तक जो मिक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब उसको आप प्लेट टेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको चम्मच से उठा के प्लेट पे रख के देखिए जब तक वो एक जेल की तरह ना हो जाए। पुट हॉट जैम इनटू वाइड माउथेड स्टरलाइज्ड बॉटल एंड कूल, अब बड़े मुंह वाले बॉटल में इसको डालिए, ठीक है, बॉटल साफ होना चाहिए, और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसका ढक्कन लगाइए, स्टोर इट इन अ कूल प्लेस, फिर इसको ठंडी जगह पे आप रख दीजिए। What do you understand by dehydration? अब देखिए dehydration हिंदी में इसको कहते हैं निर्जलीकरण, इससे आप क्या समझते हैं? Dehydration means removing water or moisture from food. Dehydration का मतलब क्या होता है? खाने से पानी या नमी को निकाल देना। Write down the steps for the process of dehydration. अब dehydration करने का क्या क्या steps होता है वो लिखने बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए पढ़िए समझिए। The method of dehydration includes the following step. अब देखिए dehydration का जो तरीका है उसमें ये सारे steps होते हैं। Firstly, clean all tins and the plates, etc., which are to be used for drying, and then store the food and dry in the sun. The tin should have airtight lids. अब देखिए जो डब्बा में या जो बर्तन में आप खाना रखेंगे उसको आप अच्छे से सुखा लीजिए, ठीक है, उसको सूर्य के रोशनी के नीचे रख के उसका सारा जो पानी है वो सुखा लीजिए। और ध्यान रखें कि जो भी आपका बर्तन है उसका ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि उसमें हवा ना आए, तो वो एयरटाइट लीड्स होना चाहिए। देन वॉश द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विच आर टू बी डिहाइड्रेटेड, आफ्टर दैट कट एंड रिमूव द स्टीम सीड्स एंड स्किन, इफ देयर इज एनी डिकेइंग पोर्शन रिमूव इट। आप देखिए जो सब्जी है या जो फल है उनको आप धो लीजिए जिनका आपको निर्जलीकरण करना है, डिहाइड्रेशन करना है, उसके बाद धोने के बाद उनको काटिए और उनमें से बीज निकाल लीजिए, डंठी निकाल लीजिए, उनका जो स्किन है छिलका उतार लीजिए। फिर अगर कोई खराब पोर्शन है, कोई सड़ा हुआ भाग है, तो उसको हटा दीजिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट देम इनटू बॉइलिंग वाटर, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इनको आपको उबलते हुए पानी में डालना है। ध्यान रखिएगा पानी को पहले उबालिएगा फिर डालिएगा। The time for boiling varies with the hardness of fruit or vegetables. Then remove when the food is soft. अब देखिए जो सब्जी है या जो फल है वो कितना कठोर है, सख्त है, उसके हिसाब से ये निर्भर करता है कि आपको कितना देरी तक उसको उबालना है। जब वह खाना मुलायम हो जाए तो आप बंद कर दीजिए गैस और हटा दीजिए उसको। After that, in cold water, put the vegetables containing salt and potassium metabisulfite for about 5 to 10 minutes. अब देखिए इसके बाद क्या करिए, इसको ठंडे पानी में डाल दीजिए, ठीक है, जिसमें नमक और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट होना चाहिए। कितना देर के लिए? 5 से 10 मिनट के लिए। This is done to prevent blackening of food. अब ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि वह जो खाना है वह काला ना पड़े। Do not put green leafy vegetables and other dark vegetables in KMS solution as it will bleach the color of vegetables. आप देखिए ये जो salt और potassium metabisulfite का हम लोग solution बनाए थे उसको KMS solution कहते हैं। इसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां या वह सब्जी जो जिसका गाढ़ा रंग होता है उसको ना डालें, क्योंकि जो ये solution है वो क्या करेगा, उनका रंग ब्लीच कर देगा, ठीक है, रंग उतार देगा। The next step is to spread the vegetables on a clean cloth in the sun and cover it with a thin cloth. This is done to avoid dust and flies getting into the food. उसके बाद आप क्या करिए, सूर्य के रोशनी के नीचे एक कपड़ा बिछाइए, उसमें खाना रखिए जो आपको dehydrate करना है। याद रखिएगा एक के ऊपर नहीं, एक मत रखिए, अलग अलग एक एक पीस रखिए। उसके बाद एक पतले कपड़े से उसको ढक दीजिए।
तो क्या होगा कि उसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी और जो मक्खियां होती हैं वो नहीं बैठेंगी। लास्ट, कूल द फूड एट रूम टेम्परेचर व्हेन इट इज ड्राई। जब ये सूख जाए तो ये जो खाना है इसको रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा कर लीजिए। देन स्टोर इट इन एयर टाइट कंटेनर। फिर इसको ऐसे डब्बे में डालिए जिसमें हवा ना आता हो। व्हेन यू वांट टू यूज डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वॉश एंड सोक देम इन वाटर फॉर सम टाइम्स। जब आप वो फल या सब्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसको डिहाइड्रेट किया गया है तो उसको पहले धो लें या पानी में थोड़ा देर के लिए डुबो के रख दें, फिर इसका इस्तेमाल करें। आगे देखिए, नेम सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स लाइक टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स एंड जैम। अब देखिए, टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स या जैम, इसमें हम लोग क्या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं बताने बोला जा रहा है। देखिए क्या क्या करते हैं, सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, साइट्रिक एसिड आर सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट लाइक टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स और जैम। टोमेटो केचप, पोटैटो चिप्स और जैम में हम लोग सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, साइट्रिक एसिड, ये जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, रासायनिक संरक्षक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। नेम द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग ऑफ पिकल्स, जैम एंड स्क्वाशेस। अब देखिए, अचार बनाने के लिए, जैम बनाने के लिए, स्क्वाश बनाने के लिए हम लोग क्या क्या प्राकृतिक संरक्षक का इस्तेमाल करते हैं। द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग पिकल्स, जैम्स एंड स्क्वाशेस आर सॉल्ट, शुगर, ऑयल। नमक, चीनी, तेल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अचार, जैम और स्क्वाशेस को प्रिजर्वेट यानी संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए। राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पोटैटो चिप्स। अब हम लोग पोटैटो चिप्स कैसे, आलू का चिप्स कैसे बनाएंगे, उसका आपको स्टेप्स लिखने बोला जा रहा है। मेकिंग पोटैटो चिप्स, वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश एंड पील पोटैटोज एंड देट कट देम इनटू स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस। पहले आप आलू को धो लें, फिर उसका छिलका उतार लें, फिर पतला पतला उसको आप काट लें। पुट द स्लाइस्ड पोटैटो इनटू बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 मिनट्स। फिर उबलते हुए पानी में आप ये जो छिलके काटे हैं, पतला पतला जो आलू को छील के काटे हैं आप, उनको डालिए। यूजिंग 5 tablespoons सॉल्ट, 1 tablespoon पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड फॉर 5 kg पोटैटो, मेक अ सोल्यूशन इन कोल्ड वाटर। आप देखिए, एक ठंडे पानी में आप क्या करिए, 5 kilo आलू के लिए 5 tablespoon सॉल्ट, 5 चम्मच नमक, 1 चम्मच पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का एक मिश्रण बनाएं। ये ध्यान रखिएगा, अगर 5 kilo आलू है तो इतना बनाएंगे, आलू अगर बढ़ेगा तो ये दोनों भी बढ़ेगा, आलू कम होगा तो ये दोनों भी कम होगा। फॉर अबाउट 10 मिनट्स पुट द ब्लांच्ड पोटैटो चिप्स इन टू दिस सोल्यूशन। अब देखिए, ब्लांचिंग क्या होता है, उबलता हुआ पानी में जो हम लोग खाना डालते हैं तो उसको हम लोग ब्लांचिंग कहते हैं। तो फिर क्या करना है आपको कि लगभग 10 मिनट के लिए ये ब्लांच पोटैटो को इस सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। देन इन द सन एंड ऑन अ क्लोथ स्प्रेड ईच पोटैटो चिप्स सेपरेटली एंड कवर विद अ थिन क्लोथ। अब सूर्य के रोशनी के नीचे एक कपड़े के ऊपर आप एक एक करके पोटैटो चिप्स रखें, फिर उसको पतला कपड़ा से ढक दें, ठीक है। कूल एंड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स व्हेन इट इज ड्राई। जब यह सूख जाए पूरी अच्छी तरीका से तो आपको क्या करना है, इन्हें ठंडा करना है और एयर टाइट कंटेनर्स में रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राइट डाउन सम यूजफुल टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व फूड आइटम्स। अब वो सब खाना जिसका आप प्रिजर्व किए हैं, संरक्षित किए हैं, तो क्या यूजफुल टिप्स होगा जिससे आप अच्छे से संरक्षित कर सकेंगे। सम यूजफुल टिप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ द प्रिजर्व फूड आइटम्स आर, वन, द यूटेंसिल एंड कंटेनर्स यूज टू कुक एंड स्टोर फूड आइटम शुड बी थॉरली क्लीन्ड एंड ड्राइड इन सन टू मेंटेन हाइजीन। द कंटेनर शुड हैव एयर टाइट लीड्स। आप देखिए, वह बर्तन जिसमें आप या तो ये खाना पकाएंगे या इसको रखेंगे, उसको आप अच्छे से साफ कर लें और सूर्य की रोशनी के नीचे इसको आप रखें, सुखाएं, ताकि इसमें स्वच्छता बनी रहे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डब्बे हो उनका जो लिड हो, ढक्कन हो, वो एयर टाइट हो, उसमें हवा ना ढुक सके। व्हाइल प्रिजर्विंग पिकल्स टेक केयर दैट अ लेयर ऑफ ऑयल इज अबव द वेजिटेबल्स सो दैट दीज डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। जब आप अचार को संरक्षित करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अचार है वो पूरी की पूरी तेल में डूबी रहे, तो इससे क्या होगा कि
हवा से उस सब्जी का या उस फल का, जैसे आम का अचार बनाएंगे तो आम, अगर मान लीजिए आप कटहल का बनाएंगे तो कटहल, तो ये जो चीज है ये हवा के संपर्क में नहीं आए। यूज क्लीन स्पून्स वाइल्ड यूजिंग द प्रिजर्व फूड आइटम्स, क्लोज द लिड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। अब देखिए, जब आप मान लीजिए अचार निकाल रहे हैं तो साफ चम्मच का इस्तेमाल करें, और जैसे ही आपका काम हो जाए, जितना निकालना है निकाल लें, तो वो ढक्कन तुरंत बंद कर दें। द बॉटल ऑफ सॉसेस एंड स्क्वाशेस शुड बी स्टरलाइज्ड एंड केप्ट इन हॉट वाटर टिल दे आर नीडेड। अब देखिए, जिस बॉटल में आप सॉस रखते हैं या स्क्वाशेस रखते हैं उसको आप अच्छे से साफ करें और तब तक गर्म पानी में रखें जब तक जरूरत हो। वॉट आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई यूजिंग हाई टेम्परेचर। अब वो दो क्या तरीका है जिससे आप खाने को उच्च तापमान में, हाई टेम्परेचर में संरक्षित कर सकते हैं। द टू मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बाई हाई टेम्परेचर आर पैस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं आगे के वीडियोज में, चैप्टर्स में। वॉट आर द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर में हम लोग खाना को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्या विधि है उसकी। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन लो टेम्परेचर आर रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज, फ्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अभी और भी बहुत सारा चैप्टर का वीडियो आएगा, तो जो भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो पढ़ना है हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और उसको पढ़िए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बने, और अगर वीडियो पहले से बनी हुई है तो आपको लिंक दे दी जाएगी। हमारा साथ बनाए रखिए, जितना हो सके हमारे वीडियोज को लोगों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारा स्पोकन इंग्लिश का भी वीडियोज है, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में, इसको भी पढ़िए। आप बहुत सारे भाषा सीख सकते हैं इंग्लिश के साथ, और भी लैंग्वेजेस की वीडियो यहाँ पे दी गई है। धन्यवाद।